हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम रिव्यू करेंगे मारुति सुजुकी वैगनार LXi CNG वेरिएंट का। इसमें ऑप्शनल वेरिएंट में भी अवेलेबल है ये गाड़ी। ऑप्शनल में आपको सेफ्टी फीचर्स एक्स्ट्रा दिए गए हैं, दो सेफ्टी फीचर्स जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और इसमें आपको तीन कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है गाड़ी। पहला तो है वाइट जो कलर आप देख रहे हैं, दूसरा ग्रे, तीसरा है सिल्की सिल्वर ये गाड़ी। और जिसके आप फ्रंट लुक देख रहे हैं गाड़ी की, फ्रंट में आपको CNG का स्टिकर दिया गया है। फ्रंट विंडशील्ड पे ही CNG गाड़ी है। तो और साथ में ही आपको हैलोजन हेडलैम्प दिए गए हैं क्रोम फिनिश के साथ, साथ में इंडिकेटर। फॉग लैंप आपको इसमें नहीं दिए गए हैं, बेस वेरिएंट है। और एस का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है इसमें। लोअर ग्रिले जो आपको ब्लैक ही दी गई है इसमें। ये तो हो गई फ्रंट प्रोफाइल की बात। और बात कर लेते हैं व्हीलों की, तो इसमें आपको स्टील व्हील दिए गए हैं, स्टील व्हील मिलेंगे। और जिनका साइज़ देख लेते हैं तो 155/80R 13 इंचेस के आपको स्टील व्हील दिए गए हैं इसमें। ट्यूबलेस टायर मिलेंगे और साथ में ही JK के टायर हैं इसमें। और साइड इंडिकेटर जो है आपको फेंडर पे दिए गए हैं, साइड मिरर पे नहीं मिलेंगे। और इंडिकेटर फेंडर पे दिए गए हैं। और ये साइड प्रोफाइल है गाड़ी की, साइड प्रोफाइल से काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में। और बात करें अगर प्राइस की, तो ऑन रोड प्राइस है LXi वेरिएंट का 5,45,000। अगर आप ऑप्शनल लेते हैं तो 5,50,000, यानी 5,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको ऑप्शनल के लिए। और ये साइड प्रोफाइल में बात कर लेते हैं इसके डायमेंशन की, तो ये अपने हॉट टेक प्लेटफॉर्म पे आई है, जिसमें कि लेंथ हो गई है इसकी 3655, विड्थ है इसकी 1620, हाइट है इसकी 1675। बात करें व्हील बेस की, तो 2435 mm का इसका व्हील बेस हो गया। तो काफ़ी पहले से काफ़ी डायमेंशन में काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। टर्निंग रेडियस 4.7 मीटर का। कर्व वेट है इसका 905 kg का LXi का। और ऑप्शनल लेते हैं तो 910 kg का मिलता है ऑप्शनल में कर्व वेट। ग्रॉस वेट है इसका 1340 kg का। साइड मिरर आपको ब्लैक दिए गए हैं, बॉडी पैंट नहीं मिलेंगे। डोर हैंडल भी आपको बॉडी पेंटेड नहीं दिए गए हैं इसमें, ब्लैक ही दिए गए हैं। और रियर प्रोफाइल में बात कर लेते हैं माइलेज की, 22 kmpl की मिलेगी पेट्रोल में, CNG में 33.54। और फ्रंट सस्पेंशन मैकफर्सन स्टड टाइप, रियर सस्पेंशन टॉरिजन विद कॉइल स्प्रिंग टाइप दिए गए हैं इसमें। रियर सस्पेंशन हाई माउंट स्टॉप लैम्प के साथ CNG का स्टिकर दिया गया है। CNG गाड़ी है, तो इसमें आपको वैगनार की बैजिंग दी गई है, एस का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है इसमें। और बैकडोर खोलने के लिए ऑप्शन चाबी द्वारा खोलेंगे आप बैकडोर को। और साथ में ही पार्किंग सेंसर के साथ रिफ्लेक्टर भी दिए गए हैं रियर बम्परों पे, आप देख ही रहे हैं। और सेफ्टी फीचर्स में आपको पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं रियर बम्परों पे। और ये दूसरी साइड की प्रोफाइल है गाड़ी की, दूसरी साइड से भी काफ़ी अच्छा लुक है गाड़ी का देखने में। और बात कर लेते हैं सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको ड्राइवर साइड एयरबैग, ABS विथ AVD, रिवर्स पार्किंग सेंसर, फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर विथ ब्रेजर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड प्रूफ रियर डोर लॉक। अगर आप ऑप्शनल लेते हैं तो इसमें आपको पैसेंजर साइड एयरबैग एक्स्ट्रा मिलेगा, और साथ में ही फ्रंट सीट बेल्ट विथ प्री टेंशनर फोर्स लिमिटर भी आपको, ये दो सेफ्टी फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, पैसेंजर साइड एयरबैग और प्री टेंशनर फोर्स लिमिटर। तो ये दो सेफ्टी फीचर्स अगर आप ऑप्शनल लेंगे तो एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये तो होगी सेफ्टी फीचर्स की बात, जो दो सेफ्टी फीचर्स आपको इस गाड़ी में दिए गए हैं और ऑप्शनल में सारे मैंने आपको बता ही दिए। और चलते हैं बैक डोर खोल लेते हैं इसका लेते हैं, तो इसमें आपको रियर पार्सल ट्रे दी गई है। अगर आप CNG ऑप्शन लेते हैं तब भी आपको रियर पार्सल ट्रे मिलेगी, और साथ में ही CNG सिलेंडर दिया गया है इसमें, और साथ में स्पेयर व्हील। तो उतना अच्छा खासा बूट स्पेस नहीं मिल पाता देख ही रहे हैं आप, क्योंकि CNG सिलेंडर रखने के बाद। और इसमें स्पेयर व्हील जो है आपको कुछ इस कंडीशन में लगाया गया है, ताकि इतना अच्छा खासा स्पेस नहीं मिल पाता। तो CNG लगने के बाद बूट स्पेस इतना अच्छा खासा नहीं मिल पाता आपको। चलते हैं रियर डोर के इंटीरियर में, देख लेते हैं आपको रियर डोर का। ये डोर ट्रिम है, जिसमें कि ये वाला डोर आपको मैनुअल दिया गया है, पावर विंडो नहीं मिलेगा ये वाला डोर आपको। रियर डोर बोतल रखने का स्पेस दिया गया है, और इसमें आपको स्पीकर लगवाने की जगह दी गई है, स्पीकर नहीं दिए गए हैं कंपनी द्वारा।
तो आफ्टर मार्केट आप स्पीकर लगवा सकते हैं। और बात कर लेते हैं सीटों के हेडों की, तो आपको आप हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे रियर सीटों के हेड, इसमें देख रहे हैं आप रियर सीटों के। और लेगरूम तो बहुत बढ़िया लेगरूम है इसका, लेगरूम की प्रॉब्लम नहीं मिलेगी आपको, पहले से पहली वाली वैगनर से भी अच्छा लेगरूम मिलेगा आपको इसमें। और ये आपकी टूल किट है, इसके किसी भी वेरिएंट में आपको सीटों के हेड हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलते किसी भी वेरिएंट में। बीच कलर की अपोजिटिव मिलेगी आपको इसके सभी वेरिएंट में, कुशनिंग काफ़ी अच्छी मिलेगी आपको इसके सभी वेरिएंट में, कुशनिंग काफ़ी अच्छी है सीटों की। और ये वाला डोर भी आपको मैनुअल दिया गया है, डोर ट्रिम देख रहे हैं, बोतल रखने का स्पेस मिलेगा, स्पीकर नहीं है इसके अंदर, स्पीकरों की जगह दी गई है। तो आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हैं स्पीकर, ग्रिप असिस्टेंट जो कि दिए गए हैं इसमें, तीन ग्रिप असिस्टेंट दिए गए हैं। फ्रंट सीटों के हेड भी आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे, सीटों के पीछे आपको मैप पॉकेट का स्पेस नहीं मिलेगा। और सीटों की अपोजिटी आपको सभी वेरिएंट में इसकी बीच कलर की ही दी गई है। और देख लीजिए फ्रंट डैशबोर्ड का लुक, जैसा कि मैं रियर पैसेंजर सीट पर बैठा हूँ तो मैं फ्रंट डैशबोर्ड की एक लुक देता हूँ। डुअल टोन में दिया गया है आपको ब्लैक एंड बीच फ्रंट डैशबोर्ड का लुक। चलते हैं फ्रंट डोर के इंटीरियर में, देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं फ्रंट डोर के इंटीरियर में। ये तो हो गई रियर डोर के इंटीरियर की बात, जो कि आपने देख लिया, लेगरूम तो काफ़ी बढ़िया है इसका। और चलते हैं फ्रंट डोर के इंटीरियर में, ये फ्रंट डोर का डोर ट्रिम है जिसमें कि ये वाला डोर आपको पावर विंडो दिए गए हैं, डोर ट्रिम आपको, और साथ में ही फ्रंट के और जो फ्रंट का डोर है आपको पावर विंडो दिया गया है ऑटो के साथ, लॉक अनलॉक कर सकते हैं, शीशों को लॉक कर सकते हैं, बोल्ट रखने का स्पेस दिया गया है, स्पीकर नहीं है, स्पीकरों की जगह दी गई है इसमें, आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हैं स्पीकर। और जो साइड मिरर है इसको आपको नॉर्मल अपने हैंड से ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, नोब वगैरह नहीं दी गई है एडजस्ट करने के लिए इसमें साइड मिरर। और ये आपको ड्राइवर साइड जो कि सीट देख रहे हैं आप, ड्राइवर साइड की सीट जो कि हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलेगी, ओनली फोल्डेबल दी गई है ड्राइवर सीट। राइट साइड में एसी वेंट्स जो कि राउंड शेप में दिए गए हैं आपको, हेडलाइट ट्रैवलिंग के स्विचेस दिए गए हैं। और जैसा कि सीएनजी गाड़ी है तो सीएनजी और पेट्रोल दोनों ही मोड पे आप इसको कर सकते हैं, चला सकते हैं, तो उसका स्विच भी दिया गया है आपको, तो प्रेस करके रखेंगे तो ये सीएनजी मोड पे चली जाएगी और एक बार प्रेस करेंगे तो ये पेट्रोल मोड पे चली जाएगी। तो दोनों ही फीचर्स आप यहाँ से कर सकते हैं, दोनों ही फीचर्स में आप चला सकते हैं सीएनजी और पेट्रोल दोनों ही में। बात करें स्टीयरिंग व्हील की, तो इसमें आप थ्री स्पोक व्हील के साथ एस का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है, एस का मोनोग्राम क्रोम फिनिश के साथ SRS एयरबैग दिया गया है इसमें, और साथ में टिल्ट स्टीयरिंग नहीं दिया गया है इसमें। और राइट साइड में हेडलाइट के कंट्रोल्स, लेफ्ट में वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। और बात कर लेते हैं की, तो इग्निशन की आपको बिल्कुल नॉर्मल दी गई है, आपको सेंट्रल लॉकिंग की नहीं मिलती, बिल्कुल नॉर्मल दी गई है इग्निशन की, आपने देख ली बिल्कुल नॉर्मल मिलेगी आपको। और बात कर लेते हैं MID की, तो इसमें आपको छोटी सी डिजिटल डिस्प्ले दी गई है, RPM मीटर इसमें नहीं दिया गया है, टैकोमीटर जिसे कहते हैं, CNG शो हो जाएगी, पेट्रोल शो करेगा, किलोमीटर, क्लॉक, ऑडोमीटर, सारी चीज़ें इसमें जो कि होनी चाहिए, जो नॉर्मल बेस मॉडल में जो मिलता है वो आपको इसमें मिल जाएगा, टैकोमीटर इसमें नहीं दिया गया, कुछ वार्निंग लाइटों के साथ। और इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा, आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हैं। मैनुअल AC दिया गया है इसमें, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है कुछ स्पेस के साथ, और ये आपका गियर लीवर 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स के साथ, और साथ में कुछ स्पेस दिया गया है कंसोल पे ही। ये आपका हैंड ब्रेक लीवर, कुछ स्पेस मिलेगा बोतल रखने के लिए, आप रख सकते हैं आसानी से। और को ड्राइवर साइड आपको 2 AC वेंट्स और दिए गए हैं, और ड्राइवर साइड आपको पावर विंडो, फ्रंट के दोनों डोर आपको पावर विंडो दिए गए हैं इसमें, बोर्ड रखने का स्पेस दिया गया है, और स्पीकरों की जगह भी दी गई है इसमें। अपुष्टि तो आपने देख ली, बीच कलर की दी गई है, कुशनिंग काफ़ी बढ़िया है इसकी। ये आपका ग्लो बॉक्स जो ठीक ठाक स्पेस दिया गया है इसमें। तो मारुति वैगनर में मिलता है आपको 2 ईयर वारंटी एंड 40,000 किलोमीटर तक, आप इसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं। फ्रंट में सनवाइज़र और रीडिंग लैंप, IRVM को ड्राइवर साइड सनवाइज़र नॉर्मल दिया गया है, और साथ में ग्रिप असिस्टेंट, फ्यूल डोर खोलने का ऑप्शन ड्राइवर साइड ही दिया गया है, तो फ्यूल डोर खोल लेते हैं, चलते हैं। अब देखिए यहाँ से आप फ्यूल भी भरवा सकते हैं और CNG भी भरवा सकते हैं, तो फ्यूल
कैपेसिटी इसमें 32 लीटर की है और सीएनजी कैपेसिटी इसमें 60 लीटर की, यानी 60 लीटर की। यहाँ से आप सीएनजी भरवाएंगे और यहाँ से आप पेट्रोल भरवा सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, सीएनजी और पेट्रोल दोनों ही आप इसमें फिल करा सकते हैं। ये फ्यूल डोर आपने देख ही लिया। चलते हैं इंजन रूम में। तो इंजन रूम में आपको एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम यहाँ पे दिया गया है, जिसे कि ABS कहते हैं, और साथ में मीटर भी दिया गया है यहाँ पे। इंजन रूम में ही कितनी फीलिंग हुई है सीएनजी आपकी, आप इसमें आसानी से देख सकते हैं। तो इसमें मिलती है आपको 1 लीटर K10B पेट्रोल इंजन मिलता है आपको, 3 सिलेंडर 998 cc का इंजन दिया गया है। 67 BHP की पावर मिलेगी आपको 5500 RPM पे। अगर हम टॉर्क की बात करते हैं, 90 Nm की टॉर्क मिलेगी 3500 RPM पे। सो फ्रेंड्स, ये था रिव्यू वैगनर 2019 वैगनर CNG वेरिएंट का ये रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए इस वीडियो को। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और इसके सभी वेरिएंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप इसके सभी वेरिएंट का रिव्यू देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके सभी वेरिएंट का रिव्यू किया हुआ है। तब तक के लिए सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।